अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुमा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अपने और खुर्रम के लिए जो थी वो मैं अंडा घोटाला बना रही थी, और जो है वो मैंने आज खड़ी मसूर की दाल बनानी थी जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। क्योंकि खड़ी मसूर की दाल अगर आप लोग जो है थोड़ी देर पानी में भिगो दें और उसके बाद पकाएं तो बहुत जल्दी गल जाती है। खड़ी मसूर की दाल को बहुत सारे लोग जो हैं वो मलका मसूर भी कहते हैं, काली मसूर भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है। ये देखें जी, ये मैंने पानी में भिगो के इसको रख दिया और साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ। मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस किस को ये जो है अंडा घोटाला पसंद है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, और ये हम जो हैं वो इसको सुबह में रोटी के साथ ही लेते हैं, और बच्चे जो हैं वो इसको, अगर बच्चे घर पर होते हैं, बच्चे स्कूल गए हुए थे, अगर बच्चे घर पर होते हैं तो वो लोग फिर इसको पराठे से लेते हैं। लेकिन बड़े मज़े का, मुझे बहुत पसंद है ये। बस इसके अंदर मैंने जो थी वो प्याज़ और टमाटर चॉप करके डाले थे और मैं इनको भून रही थी। प्याज मैंने जो थी वो ब्राउन नहीं की थी, प्याज और टमाटर मैंने साथ साथ ही डाले थे, और फिर मैं इनको अच्छी तरह से भून रही थी। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो फिर इसके अंदर मैं बाकी अंडा वगैरह डालूंगी, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से भूनना। अब देखिए मेरा जो है वो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है और ये बिल्कुल भुन गए। इसको मैंने चॉप कर लिया था। आप लोग भी चाहें तो आप प्याज और टमाटर को एक साथ ही आप चॉपर में चॉप कर लें, इसलिए कि बहुत आसान हो जाता है। मैंने इसको किया था बहुत आसानी से, ये बहुत जल्दी गल गया था और भुन भी गया था। तो आप लोग भी चाहें तो आप इसको चॉपर में चॉप कर लें। अच्छा जी, इसके अंदर आप देखें मैंने जो है कुटी हुई मिर्चें, नमक, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर मेरा भुना हुआ है। उसके बाद अब मैं इनको सबको मिला दूंगी। नमक अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा, मिर्च भी अपने लिहाज से रखिएगा, जिस तरह से आप यहाँ कम और ज़्यादा खाई जाती हो। मेरे घर में बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो मैंने जो थी वो कोई भी मिर्च हाफ टी स्पून, पिसी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, नमक डाला था अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डाली थी, और हाफ टी स्पून जो था वो मैंने ज़ीरा पाउडर और भुना हुआ पाउडर डाला था। अब इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, और आप लोग देख लें मेरा बिल्कुल कैसे ये मिक्सचर सा बन गया, यानी इस पर प्याज और टमाटर जो है वो तकरीबन घुल मिल गए। अगर आप लोगों के थोड़ा खड़ा खाया जाता है तब आप इसको अलग अलग काटिएगा, वरना आप इसको जो है ना चॉपर में चॉप कर लीजिएगा। जी, ये मैंने इसमें अंडे डाल दिए, अंडे मैंने इसके अंदर चार जो थे वो फेंट के डाल दिए थे। अब मैं इसको चलाऊँगी नहीं, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं चलाऊँगी इसको ना, ताकि अगर आप इसको अभी फ़ौरन चला देंगे ना तो फिर वो आपके जैसे इसमें थोड़े थोड़े से अंडे के टुकड़े आते हैं, फिर वो आएँगे नहीं। तो जी, अब मैं इसको जो है वो ढक दूंगी थोड़ी देर। अब मैं थोड़ी देर बाद आके, और मैंने इसकी देखें आँच स्लो कर दी है, अब इसको स्लो फ्लेम पर ही मैं पकने दूंगी। ये देखें, अब मेरे जो है वो साइड से आप देखें अंडा पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको हल्का चला दूंगी और उसके बाद फिर इसको छोड़ दूंगी, ताकि ये जो है वो जिस तरह का मैं चाह रही हूँ उसी तरह का हो जाए। कोनों से मेरे लगना शुरू हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने इसके अंदर चमचा चला दिया था। बस अब ये हल्का सा चमचा चला के मैं इसको फिर छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद इसको चलाऊंगी। और अगर आप इसकी आंच तेज़ कर देंगे ना तो फिर ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इसको धीमी आंच पर ही रखिएगा, और थोड़ी थोड़ी देर में आके इसको चेक करते रहिएगा। अंडा बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए मेरा भी अंडा जो है वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता पकता चला जा रहा है, तो जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी देर में बस आके इसको चेक करती रहूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मेरे घर में ऑयल बहुत कम खाया जाता है, तो इसलिए मैंने, अगर आप लोगों के ऑयल थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है तो आप इसको ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने ऑयल कम डाला था, इसी वजह से मैं इसकी आँच भी हल्की रखी हुई थी, वरना फिर ये लग जा रहा। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखे बिल्कुल मेरा अंडा करा है। दो तीन मिनट में इसको और पकाऊँगी, उस पर मैं इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर दूँगी। इसके अंदर जो थी वो मैंने थोड़ी कसूर की मेथी भी डाली थी, बिल्कुल जब सर्व करने वाली थी इसके अंदर डाल के, और इसको मिला लिया था, और फिर मैं इसको सर्व कर दूंगी। बस ये मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब मैं इसको सर्व कर लूंगी। इसको खूब अच्छी तरह से आप चला लीजिएगा। अब जो है वो, क्योंकि अब ये बिल्कुल पक चुका है, अब ये भुन भी चुका है, देखिए मेरी इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। आप लोगों को अगर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हो क्योंकि, तो आप जो है इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। मेरे घर कम खाया जाता है, इसलिए मैंने कम रखा था। जी देखिए, बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस अब हम खाने के लिए बैठ रहे हैं। इतना मज़ेदार ये बना था कोई, और ये इतना सौंधा सौंधा होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर ही मेरे घर में ये या किडनी बीन्स हम सुबह नाश्ते में ज़रूर बना
बनाते। वैसे मोस्टली ये होता है हमारे पास जो भी रात का खाना होता है सालन, हम मैं और हम जो है कोशिश करते हैं हम वही खाते हैं, और बच्चे जो हैं वो ले लेते हैं अगर कोई और चीज़ उनको चाहिए होती है। वैसे मॉर्निंग में वो लोग स्कूल चले जाते हैं, जब वो आते हैं तो फिर मैं रूटीन के मुताबिक मेरा दोपहर में ही खाना तैयार जाता है जो हम रात में भी खाते हैं। तो बाकी ये कि नाश्ते में अगर कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती है तब हम फिर या तो किडनी बीन्स बना लेते हैं या फिर अंडा बना लेते हैं। अब मैं इस तरफ आ गई थी दाल की तरफ, ये देखें दाल मेरी भीगी भी थी। अब मैं इसको चाहूँगी और ये बहुत जल्दी गल जाएगी, इसलिए कि ये तकरीबन एक घंटा भीगी थी मेरे पास दाल। अब मैं इसको चढ़ा दूँगी और मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं खड़ी मसूर की दाल, और मोस्टली मेरे घर में जो मैं रात वाले दिन जो है वो खड़ी मसूर की दाल पकती है। इसमें एक छोटी प्याज मैं काट के डाल लूँ क्योंकि दाल जो है वो मेरी तकरीबन सिर्फ एक पाव है, तो जो है मैं इसके अंदर जो है वो एक प्याज छोटी प्याज है मेरी वो मैं इसमें अंदर काट के डाल रही हूँ। अच्छा मैं रफली डाल रही हूँ। अब एक टमाटर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्योंकि एक टमाटर भी मेरा छोटा ही है। एक चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। वन टेबल स्पून जो है मैं इसमें पिसी भी मिर्च शामिल कर दूंगी और हाफ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप टमाटर की जगह जो है वो इमली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ खाई नहीं जाती है तो इस वजह से मैंने टमाटर शामिल किया। अब इसको जो है एक उबाल आने तक हम खोल के पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको बंद करेंगे ढकेंगे। अभी ये खुल के पकेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक उबाल आ गया है। आंच मैंने बिल्कुल अपनी स्लो कर दी है और अब मैं इसको स्लो आंच पे ही पकाऊंगी। एहतियातन मैं इसको खुला छोड़ूंगी थोड़ा सा कि अगर इसमें से उबाल आए तो ये बाहर ना आए। वैसे आंच स्लो कर देंगे तो इसका उबाल नीचे चला जाता है, फिर ये उबलती नहीं है। अब जो है दाल मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई थी, ये इतनी जल्दी गली थी तकरीबन पौन घंटे में बिल्कुल गल गई थी। इसके अंदर पुदीना, हरी मिर्च, चिकन की क्यूब, नमक, गरम मसाला और अदरक जो बारीक काट के इसके अंदर हमें शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से हमने घोट लेना है, ये मेरी बिल्कुल घुट चुकी है। उसके बाद हमने ये चीज़ें शामिल करनी है। घोटने से पहले ये चीज़ें शामिल नहीं करिएगा और नहीं आपकी चिकन के साथ दाल के साथ ही ये घुट जाएगी। तो आपने पहले दाल को अच्छी तरह से घोट लेना है, उसके बाद फिर आपने इसके अंदर ये चीज़ें शामिल कर देनी है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसके अंदर पुदीने की, जब हम पुदीना और अदरक इसके अंदर शामिल करते हैं एंड में तो इसके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है जी। अब आप देखिए इसके अंदर आपको जितना आपको इसको गाढ़ा रखना हो आप उतना रख लीजिएगा। मेरी दाल मुझे जितनी गाढ़ी रखनी थी मैंने उसी लिहाज से कर ली थी। दाल बहुत अच्छी तरह घुट गई थी। शुरू में अगर आप इसको भिगो के रख दें तो दाल बहुत अच्छी जल्दी तैयार हो जाती है। इस तरफ मैं आ गई हूँ। अब भगार के लिए पैन ले लिया, पैन के अंदर मैं ऑयल शामिल कर लूँगी। ऑयल जो है वो मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर अब मैं जो हूँ वो साबुत मिर्चें डाल दूँगी तीन चार, और अपनी और लहसुन डाल दूँगी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जब ये दोनों अपना कलर चेंज कर लेंगे तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा मेरा जो है वो साबुत ज़ीरा डलेगा। ये मैंने देखे मेरे इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ज़ीरा एंड में ही डालिएगा वरना ये काला हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई थी, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है क्योंकि मेरे घर में जो है वो ऊपर जो अगर ऑयल आ रहा हो इस तरह से तो बिल्कुल उनको पसंद नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि इसके अंदर मिर्चें पड़ी हुई हों। तो जी ये मेरी दाल देखें उबल रही थी, बिल्कुल पक चुकी थी, मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और अब मैंने जो है वो इसको बघार दिया था। बड़े मज़ेदार से तड़के की खुशबू आ रही थी इसमें। आप चाहें तो आप जो है वो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया था।
बस अब हम जो हैं वो खाना खाने बैठे थे, मैंने सैलेड इसके साथ बना ली थी और ज़ीरे वाले आलू बना लिए थे। ज़ीरे वाले आलू जो हैं वो मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, सुबह नाश्ते में हों या फिर दोपहर में हम जब अगर दाल चावल बनाते हैं तो उनके साथ हम आलू बना लेते हैं। बच्चे पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस दाल चावल के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मेरे यहाँ अक्सर बनते हैं ये। जी मैंने बनाए हुए थे ज़ीरे वाले राइस और ये बड़े मज़ेदार लग रहे थे इसके साथ जो है। तो जी आइए हमारे साथ खाना खाइए। बड़े मज़ेदार सी दाल तैयार हुई थी और दाल तो दाल चावल जो है वो तो गर्मी हो सर्दी हो जैसा भी मौसम हो मेरे घर में दाल चावल जो है वो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपके घर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। अच्छा जी ये जो ज़ीरे वाले आलू हैं ये बहुत आसानी से तैयार होते हैं। आपने इसको क्यूब्स पे काट लेना है, उसके बाद आपने ऑयल डालना है पैन में, उसमें आपने साबुत मिर्च डालनी है, ज़ीरा डालना है और आलू डाल देने। उसके बाद आपने इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें डालनी है और इनको तेज़ आंच पे थोड़ा भून लेना है। जब ये थोड़ा तेज़ आंच पे भुन जाएंगे तो फिर आप इसका फ्लेम लो कर दीजिएगा और नमक डाल दीजिएगा, उसके बाद इसको गलने तक पका लीजिएगा। अच्छा जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ हरी मिर्चें, मैं हम जैसे ही मेरे पास हरी मिर्चें आती हैं तो मैं इसकी ये बोंडी निकाल के और फिर इसको टिशू के कपड़े में टिशू में लपेट के और फिर इसको एयर टाइट जार में रख देती हूँ और ये मेरे पास आराम से जो है वो 15 से 20 दिन चलती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप भी इस तरह से करिएगा, ये बहुत अच्छी रहेगी आपकी ना। कौन सरप्राइज? अरे आप ये बना रही थी जी? वाह मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी इस वक्त और मैं वीडियो एडिट कर रही थी और ये बना के ये ले आई है और आप भी बना के लाएंगे छोटी? थैंक यू थैंक यू, वेलकम। ईशल ने बनाए भाई ये चीज़ है बटर वाले, यम्मी टेस्टी यार, मुझे बहुत भूख लग रही थी। थैंक यू, वेलकम। वाह वल्लो यू आर ब्यूटीफुल। अच्छा सरप्राइज था, मुझे तो बहुत भूख भी लग रही थी। माशाल्लाह बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मुझे भूख लग रही थी और इन्हीं ने मुझे बताया ही नहीं और ये दोनों बना के ले आई थी। अल्लाह सबके बेटियों के नसीब अच्छे करें, आमीन सुमामीन। तो बस इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को अपने मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में किसी नई सुबह के साथ और नई दिन की शुरुआत के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।